या अल्लाह मुझे ऐसी जिंदगी अता फरमा जिसमें सिर्फ टेंशन ही टेंशन हो। या अल्लाह मुझे ऐसी मुसीबत में फंसा दे जिससे मैं सारी जिंदगी जान ना छुड़ा सकूं। साफ साफ बोल दे बेटा, तेरे शादी को दिल कर रहे। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। कैसी लड़की हो तुम? जी तो ये करता तो मैं कुत्तों के आगे डाल दूं। वो साले चनाक बनिया। ओ मैडम चलती क्या? कहाँ? जहाँ तुम बोलो। ठीक है तो चलो शॉपिंग कराने चलो। अरे बाजी अब मैं मजाक भी ना कर सकता क्या? मतलब शॉपिंग का आई तो बाजी, चलो शॉपिंग करवा। अरे बाजी हम इंतजार कर रहे हैं, घर पे जा रही हूँ। भाई तुम्हारे पीछे ना एक लड़की बैठी है, वो बहुत देर से मुझे ही देख रही है। एकदम से मत देखियो, थोड़ा रुक के देखना। ये वाली देख रही थी? ये वाली है? ये देख रही थी? तो आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? बेटा इधर आओ, दूध पियोगे? नहीं। लस्सी पियोगे? नहीं। जूस पियोगे? नहीं। पूरा अपनी माँ पर ही गया है, लगता है खून ही पिएगा। पापा हाँ? कार की चाबी देना, कॉलेज जा रही हूँ। क्यों? अरे 20 लाख की गाड़ी में जाऊंगी, हवा बनाऊंगी। ये ले 20 रुपए और 40 लाख की बस में जा, हवा नहीं तूफान बना। भाई कुछ खाने को दे दे भाई। अबे जा बेजा, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। अबे कभी भिखारियों को भी खिला दिया करो, अब और कितने भिखारियों को खिलाऊं? अपनी मुझे पता है तू किसका नौकर है, किसके इशारों पे नाचता है तू। ए बीवी पे मत जाना। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं कुवारा रहता। मैं भी अपनी अम्मी की बात मान लेती है तो अच्छा होता। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी कहती थी इस लड़के की शादी मत कर। हाँ, मैं उस भली औरत को आज तक बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। अरे भैया 20 रुपए का पेट्रोल डाल दो। मैडम 20 रुपए कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे क्या करें, अमीर बाप की औलाद है, हम तो ऐसे ही उड़ाते हैं। जब चुल्लू भर पानी में डूबकर मरा जा सकता है तो ठंड में पानी के छींटे भी मारकर नहाया जा सकता है। अब तो भैया मैं ठंड तक ऐसे ही नहाऊंगा। रियान भाई तुम्हें पता है चाइनीज लोग इस हाथ से खाना क्यों नहीं खाते हैं? नहीं पता। क्योंकि ये हाथ मेरा है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। बैगन अगर तुम गिर जाओ दूसरी ढूंढ लेंगे हम। पापा मेरे हाथों की लकीरों में देख के बताओ ना क्या है। अरे बेटी तेरे हाथों की लकीरों में तो बहुत पैसा है। पापा अब ये बताओ कि ये अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होंगे? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नागिन देख रही हूँ। टीवी में या शीशे में? टीवी में। हेलो सर आप क्या लेंगे? आपका नंबर। तो आपका इन पैसों से गुजारा हो जाता है? क्या दीदी क्या? आपका क्या मसला है? मेरे पास मसला नहीं है। तो? मेरे पास तसला है, लेबर का काम करता हूँ। तो इसमें मैं तसले का क्या करूँ? काम दिलवा दो। मैं क्या यहाँ पे काम देने आई हूँ? और हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। मेरी तो दो दो माँ है। आपके पापा ने दो दो शादी की है क्या? नहीं, शादी तो एक से करी है। और दूसरी? दूसरी तुम बनने की कोशिश कर रही हो? मैं बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, सलाह दे रही हूँ तुम्हें। जरूरत मुझे पैसे की है, दे तुम सलाह रही हो। पैसों की जरूरत है तो कमाओ ना फिर। हाँ तो रेडी से आगे जाओ ना फिर। डॉक्टर साहब मेरे मरने के बाद मैं अपना दिमाग जो है दान करना चाहूंगी। हाँ हाँ ठीक है, अगर निकलेगा तो जरूर दान कर देंगे हम। बाबू तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हारे घर वाले न मानेंगे तो भगा के ले जाऊंगा। अब देखता हूँ पैसे कैसे नहीं देंगे। यदि आपने किसी के 100 रुपए भी लिए हैं, 1000 रुपए लिए हैं तो वापस कर देना। यदि नहीं कर पाए और आप किसी का पैसा लेकर मर गए तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बनकर या बैल बनकर तुम्हें चुकाना पड़ेगा उसका। तो मुझे नहीं बनना भाई कुत्ता, पहले मसूड़े के पैसे देखा हूँ। आ रहा हूँ अम्मी, जरा मसूड़े के 100 रुपए दिया हूँ।
बेबी बेबी एक जोक सुनाओ आपको। सुनाओ सुनाओ। पर मुझे समझ नहीं आती थी। पर मुझे आप मुझे एक चीज बताओ, एक नीम का पेड़ है okay. उस पेड़ के नीचे एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, ठीक है? अब उस पेड़ के पास आम गिरा है, ठीक है? अब वो आम कौन उठाएगा, लड़का उठाएगा या लड़की उठाएगी? उस नीम के पेड़ पे आम क्या आपके बाप ने लगाया था? अगर आपकी पत्नी और सास टाइगर के पिंजरे में गिर जाए तो आप पहले किसे बचाओगे? ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। मैं पहले टाइगर को बचाऊंगा, आखिर देश में टाइगर बचे ही कितने। यहाँ सारे पार्टी पे इतना एंजॉय कर रहे हो, आप क्यों उदास खड़े हो? पार्टी मेरी ही दी हुई है। तो इसमें उदास होने की बात कौन सी है? पार्टी का बिल 12,000 से ऊपर हो चुका। वैसे पार्टी किस चीज की चल रही है? ये बाइक ली थी मैंने सेकंड हैंड, उसकी पार्टी। कितने की पड़ी बाइक? 5,500 की। मैडम लफ्ज मेरे गीत तेरे गजल को ही सुना दूं क्या? हाथ मेरे गाल तेरे कान के नीचे तो बजा दूं क्या? अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उनकी बहनों। मक्खन खराब नहीं होता, मक्खियाँ खराब करती हैं। ये मासूम बच्चे खराब नहीं होते, बच्चियाँ खराब करती हैं। मेरे दूसरी वाली जेब में क्या है? दारू की बोतल है। क्या है? दारू की बोतल है दूसरी वाली जेब में, तो ये देखो दारू की बोतल है। और इसे पीने के बाद तुम दूसरों की माँ बहनों को गालियाँ दोगे? मैं नहीं पीऊंगा, पापा ने मंगवाया। आज उनको ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। तुम्हारे जवाब से पता लग रहा है कि तुम्हारे बाप कितने बड़े नशेड़ी होंगे। ये बताओ तुम खरीद के कहाँ से लाए हो ये? ये बात तो नहीं बताऊंगा मैं। क्यों नहीं बताओगे? तुम भी जाके खरीद लोगी। मैं क्या नशेड़ी लग रही तुम्हें? लग तो रिपोर्टर भी नहीं रही हो, लेकिन कर रही हो ना रिपोर्टिंग। पापा है, ये रो क्यों रहे हैं? इनके पापा ने इनको बहुत मारा यार। क्यों मारा? इनसे ही पूछो। क्यों मारा आपको? मैंने एक तो मेरा नुकसान कर दिया, ऊपर से मारा भी मेरे को बहुत। क्या नुकसान कर दिया? मेरे जेब में सिगरेट थी, वो पी गए निकाल के, फिर मैंने पैसे मांगे उनसे सिगरेट के, तो मारा फिर। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कार के बदले में बेच दिया। देखो तुम तो ऐसा नहीं करोगे। अरे पागल, मैं तो साइकिल में ही मान जाऊंगा। क्या हो गया भाई, क्यों लड़ रहा? भाई साहब रास्ता पूछ रहा हूँ, रास्ता ही नहीं बता पा रहा है। क्यों भाई? हमें रिलेशनशिप में इतना टाइम हो गया, अभी तक तूने मुझे कोई सरप्राइज नहीं दिया। यार क्या बात कर रहा है, चल मैं तेरे को अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलवाती। नाम क्या है आपका? नाम मेरा मंगरू है। तो मंगरू जी, इन फ्यूचर आप लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? जिसमें तुम राजी हो जाओ। आपको क्या लगता है लड़कियां लड़कों में सबसे पहले क्या देखती हैं? जैसे पता नहीं, मुझे तो कोई नहीं देखती। तीन चीज तो आप क्या मांगोगे? मैं तीन नहीं, चार चीज मांगूंगा। अच्छा ठीक है, क्या? एक तो मेरी बढ़िया सी बॉडी बन जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, इंग्लिश बोलना सीख जाऊं और गोरा हो जाऊं। लड़की तो आप भूल ही गए। आपको लगता है इसके बाद मैं लड़की के बारे में सोचूंगा? फिर लड़की मेरे बारे में सोचे? यार इतने गंदे होने से लग रहे हो, आप नहाते नहीं हो क्या? मैम ठंड देख रहे हो आप, कितनी हो रही है? ठंड है तो उसका मतलब नहाओगे नहीं क्या? आप नहाने के कह रहे हो, मैंने तो पानी पीना भी छोड़ रखा है। अरे नहाओगे नहीं तो लड़कियां कैसे देखेंगे आपको, गर्लफ्रेंड भी नहीं बनेगी आपकी। बोल तो ऐसे रहो जैसे भी नहा के आ जाऊंगा तो घुटनों पे बैठ के प्रपोज ही कर दूंगा। भाई साहब आपने इनका एक्सीडेंट होते हुए देखा? यही तो गाता मफलर लगाते थे। चावल ले रहा, चावल मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा। फूटी किस्मत मेरी, मुझे लोगों ने बोला था लड़का तो पायलट है, वो तो बाद में पता चला शादियों में ड्रोन उड़ाता है। रहने दे, मुझे भी लोगों ने यही बोला था कि बहुत ऊंचे घर से रिश्ता आ रहा है तेरा, वो तो बाद में पता चला 5वीं मंजिल में किराए पे रहते हैं। तुम शादी के बाद अलग घर तो नहीं मांगोगी? नहीं नहीं यार, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप ना अपनी मम्मी को अलग घर दिला देना। हम
मजाक इसीलिए उड़ाते हैं दोस्तों, क्योंकि उड़ाने के लिए हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है। वो पूछना ये था दोस्तों, अगर सरसों का तेल दो दिन पड़ा रहे तो उसे परसों का तेल कह सकते हैं। मेरी किस्मत तो इतनी खराब है साहब, अगर सर्दी में तापने बैठ जाऊं तो सारा धुआं मेरी तरफ ही आएगा। यार सबा एक बात बता, तेरे हाथ इतने गोरे कैसे, कौन सा बॉडी लोशन लगाती है तू? ओ ये कोई बॉडी लोशन नहीं है, बर्तन धोने का कमाल है। आंजी साहब जी आपको क्या बना दूं? भाई मेरे को प्रधानमंत्री बना दे। अबे कैसा है? पैसे नहीं है। अबे कोई नहीं ताजी? पैसे नहीं है। चल कहीं घूमने चल भाई। पैसे नहीं है। अबे शादी कब करेगा? पैसे नहीं है। अरे कुछ तो कर ले यार। पैसे नहीं है। अरे चल मैं ही खिला रहा हूँ भाई। क्या बोला तूने? क्या बोला? पैसे नहीं है भाई। वो लड़के वो इधर 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 जाओगे अंकल? ये बता तेरी उम्र क्या है? क्यों 16 साल? 16 साल का और ये तो दारू ले जाता हुआ, ये तेरे को शर्म वरम है कुछ? शर्म है तभी तो छुपा के ले जा रहा हूँ।